वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। अब हम सबसे पहले एक प्रश्न श्रवण करेंगे, उसके बाद उत्तर आपको सुनने को मिलेगा। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आज आपके चरणों में एक निवेदन है। आज 15 अगस्त है गुरु जी, स्वतंत्रता दिवस है। एक छोटा सा निवेदन था कि हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए जो भी जवान भाई बलिदान दिए हैं अपने आप को, और जो वर्तमान में देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात हैं, जिसके कारण हम सब सुरक्षित रह करके ठाकुर जी का भजन कर रहे, सेवा कर पा रहे, उनके लिए आप दो शब्द कुछ बोले, कृपा करें। श्री राधे राधे। राधे राधे राधे। राष्ट्र धर्म भी भगवान की भक्ति का ही एक अंग होता है, क्योंकि राष्ट्र में भगवान के अनेकानेक मंदिर, अनेकानेक संत भक्त बहुत प्रेम के साथ प्रभु की भक्ति करते हैं, और यहाँ के कण कण की वंदना करते हुए भगवान की भक्ति के साथ साथ उन लोगों को याद करते हैं जो पूर्व काल में भक्त हुए। ऐसे तमाम भक्तों, मंदिरों, संतों की रक्षा करने का ही ये कार्य देश भक्त लोग कर रहे हैं। हमारा देश परम भक्त रहा है, अर्थात भगवान की भक्ति का नास्तिक नहीं रहा है, तो हमको तो विशेष गौरव प्राप्त है भारत भूमि में जन्म लेने का और भगवान की आराधना करने का। और उन लोगों का सौभाग्य है जो भारतवर्ष में जन्म लेकर के पवित्र भारत भूमि की धारा की रक्षा करते हैं, और रक्षा करने के साथ साथ संतों का, भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इस कारण से वे वंदनीय हैं, सराहनीय हैं, प्रशंसनीय हैं कि अनंत तीर्थों और अनंत संतों भक्तों से भरपूर इस पृथ्वी की सुरक्षा के बहाने से वो सबको आशीर्वाद प्रदान कराने के लिए प्रेमाभिभूत कर देते हैं। सब लोग जवानों को, सैनिकों को, और जो देश की सुरक्षा में लगे हुए, चाहे वो राजनेता हों और चाहे वे कार्यकर्ता हों, चाहे सुरक्षाकर्मी हों, वो सभी हमारी भारत भूमि की रक्षा कर रहे हैं, जहाँ पर कृष्ण ने जन्म लिया, राम ने जन्म लिया, अनेकानेक अवतारों ने, संतों ने, आचार्यों ने जन्म लिया। वो परम पवित्र भूमि की रक्षा करने वाले जो हैं, पहले हुए आगे भी होंगे, प्रशंसनीय हैं, आदरणीय हैं। और आज का दिन जो है 15 अगस्त, ये भाग्यशाली दिवस है, वो संस्मरण के योग्य है, जिस दिन भारत को विदेश की गुलामी से मुक्ति मिली थी। विदेश की गुलामी से मुक्ति मिली, उसमें बहुत से संतों का भी योगदान रहा। राष्ट्रभक्त तो सभी लोग थे, और गीता के आदर्श के अनुसार जीवन था उन लोगों का। जैसा भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बिल्कुल उसी हिसाब से किसी फल की अभिलाषा के बिना ही सब के सब, कोई उनको लालच नहीं थी कि देश स्वतंत्र हो जाएगा तो हमें ये मिलेगा, हम ये पदवी मिलेगी, नहीं, वो तो मरने के लिए तैयार थे। हमारा देश स्वतंत्र हो जाए, जो नास्तिक लोग हैं, मांसाहारी हैं, गोभक्षक हैं, विदेशी सत्ता वाले, उनके द्वारा शासित था हमारा देश, उनसे मुक्ति प्राप्त कराने के लिए बहुत निष्प्रिय हो करके और निष्काम सेवा में समन्वित थे, उन लोगों को आज याद करने का दिन है। तो आज हम उन सबको नमन कर रहे हैं, और भारत भूमि के उन सपूतों को जो आगे भी होंगे,
जो हमारे हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, राष्ट्र धर्म की रक्षा करेंगे, भगवत भक्ति करने में हम सब लोगों को सरलता प्राप्त होगी उनके द्वारा, उन सबको जो अभी हुए हैं, जो पहले हो गए और जो आगे होंगे, उन सबको हम वंदन कर रहे हैं। श्री राधे राधे की जय। गुरु जी, यूट्यूब पर एक करुणदास जी महाराज के द्वारा चलाया गया भक्तमाल गाथा सीरियल है, जो बहुत ही सुंदर दिखाया जा रहा है। उनके संतों के चरित्र को दिखाया जा रहा है। कृपया दो शब्द उनके बारे में आप कृपया कहें। श्री राधे राधे। श्री राधे। भक्तमाल गाथा, भक्तमाल ग्रंथ हमारे श्री रामानंद संप्रदाय का ही एक बहुत अद्भुत महान ग्रंथ है। श्री रामानंद परंपरा में ही नाभादास जी महाराज का अवतार हुआ था और ये ब्रह्मा जी के ही अंशावतार थे नाभादास जी। तो उनके ग्रंथ में जिन संतों का चरित्र है वो बड़ा ही हृदय स्पर्शी, बड़ा प्रेरक है। आज तक संतों ने केवल उनको पढ़ा, सुना, कहा, बताया, लेकिन देखने को वो नहीं मिलता था कभी कि वास्तव में चरित्र कैसा था। तो उसको हम लोग देख सकें उस समय की उन झांकियों को जो संतों के जीवन में घटी थी, उसको हम देख सकें लीला चित्रों के द्वारा, लीला चरित्रों के द्वारा, इसका सुंदर प्रबंध किया है श्री स्वामी करुणदास जी महाराज ने। तो बहुत ही सुंदर वो चरित्र चल रहा है नाभादास जी द्वारा बनाया हुआ भक्तमाल ग्रंथ का, भक्तमाल गाथा। और उसको हम सब लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग भक्तों के प्रेमी हैं, संतों के प्रेमी हैं, भगवान के भक्त हैं, इसलिए हमें सबको देखना चाहिए। एक छोटा सा क्लिप बन करके गया भी था मेरा, करुणदास जी का ही कोई सेवक आया था, उसने एक क्लिप मेरा 2.5 मिनट का बनाया था, लेकिन वो अभी तक प्रसारण नहीं हो पाया, इसलिए मैं बिना प्रसारण के ही आज दोबारा बता रहा हूँ। वहाँ उस चैनल पर किसी कारण से प्रसारण नहीं हो पाया, तो हम अपने चैनल पर ही बता रहे हैं कि हम सब लोग उस पवित्र सीरियल को, जो नाभादास जी द्वारा रचित महान ग्रंथ है भक्तमाल, उसमें जो संतों का चरित्र, जैसे पहले तो नाभादास जी का चरित्र आ चुका है, फिर तुलसीदास जी का चरित्र चल रहा है, तो हम सब लोग देखते हैं, और लोगों जो नहीं देखते हैं उनके लिए भी हम ये एक संदेश दे रहे हैं कि आप लोग भी देखिए। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। गुरु जी, आज का प्रश्न लेते हैं। श्री राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं श्री पूजन लखनऊ से। मेरा पहला प्रश्न यह है कि यदि नाम जप में आंखों में प्रेम के आंसू आते हैं तो यह सात्विक सुख माना जाता है, क्या कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। राधे राधे। नाम जप, नाम कीर्तन, भगवान के चरित्र श्रवण करना, भगवान के भक्तों का चरित्र श्रवण करना, ये अंदर प्रभाव डाले तभी पूरा सार्थक होता है। कान में जाने से भी कल्याण होता है। व्यास जी ने कहा है, श्रुतम हरति पापानि, केवल श्रवण करने से ही पाप नष्ट होते हैं। गोपी गीत में भी लिखा है, श्रवण मंगलम, श्रवण करने से भी मंगल होता है, किंतु जब अंदर हृदय में प्रवेश करता है तब वो आनंद आंखों के माध्यम से अश्रु प्रवाह बन के निकल पड़ता है। और भक्तों, ये जो अष्ट सात्विक प्रभाव बतलाए गए हैं प्रेम के श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, उनमें से एक मुख्य है, स्तंभ स्वेदोथ रोमांच स्वर भेदोथ वेपथु वैवर्ण्यम अश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्विक स्मृता। तो अश्रु प्रवाह, स्वयं मानस में भी तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान राम जी अपने मुख से कहे हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद वचन नयन बह नीरा। आंखों से आंसू गिरने लग जाए तो समझ लो अंदर पहुंच गया वो,
और अंदर से वो आंसू की धारा निकली है जो बिना किसी सांसारिक बात के भगवत भक्ति के द्वारा निकल रही है। ऐसा नहीं कि संसार में कोई अभाव हुआ, कोई झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, नहीं, केवल प्रभु के प्रेम के कारण जो आंसू निकलती है वो जीव का कल्याण कर देती है। तो ये आपको नाम जप नाम कीर्तन से हो रहा है तो निश्चित ही आपका कल्याण हो रहा है, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं आप। श्री राधे राधे। श्री राधे गुरु जी, इनका दूसरा प्रश्न है कि आनंद क्या है, उसकी प्राप्ति कब होती है, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। राधे राधे। श्री राधे। आनंद, आनंद का तात्पर्य होता है जहां दुख का सर्वथा अभाव हो और किसी प्रकार का विक्षेप न हो, किसी प्रकार की कोई वस्तु के निर्भरता में वो सुख नहीं रहता है, वो वस्तु के कारण से नहीं होता है। आनंद जो होता है वो भगवान के कारण से होता है, स्वरूपानुभूति, आत्मानुभूति, भगवत अनुभूति और भगवत प्रेम के कारण जो अंदर सुख उत्पन्न होता है, किसी वस्तुगत कारण से नहीं होता, वो किसी परिस्थिति के कारण से नहीं होता है, केवल भगवान के कारण से, भगवत प्रेम के कारण से जो सुख की अनुभूति होती है वही आनंद कहलाता है। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे गुरु जी, इनका तीसरा प्रश्न है कि प्रतिकूल अवसर आने पर प्रेम शुरू नहीं होते, ऐसा क्यों होता है, कृपया गुरुदेव स्पष्ट करें। गुरुदेव के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। श्री राधे राधे। इनका है कि प्रतिकूल अवसर आने पर प्रेम शुरू क्यों नहीं होता है। जी राधे राधे। भाई इतना अभी हमारे अंदर निर्मलता नहीं है कि बाहर का प्रभाव बिल्कुल न पड़े, बाहर की प्रकृति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, क्योंकि कल केवल मलमूल मलीना पाप पयोनित जन मन मीना। हम साधक हैं, सिद्ध पुरुष हो तब तो नहीं हो सकता है, सिद्ध पुरुष के सामने तो कोई मृतक पड़ा हुआ हो घर का ही, तब भी विचलित नहीं होता है, तब भी वो उसी स्थिति में बना रहता है। भगवान के सम्मुख कितने उनके भक्त लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, मर रहे थे, लेकिन वो गीत गा रहे हैं, गीता गान कर रहे हैं। ऐसे सिद्ध पुरुष के सम्मुख किसी प्रकार की परिस्थितियां आ जाएं विपरीत, तब भी विचलित नहीं होता, लेकिन सामान्य मनुष्य परिस्थितियों के द्वारा प्रभावित हो जाता है, इसलिए उसके आनंद में कुछ बाधा जरूर पड़ती है। किंतु यदि अभ्यास में हम, साधना में हम लगे रहेंगे तो ऐसा समय आएगा कि निश्चित ही सुख दुख में हम समान रह सकेंगे। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं बंगाल से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न है कि मैं घर पर पांच देवों के साथ साथ हनुमान जी का भी चित्रपट पूजा करता हूँ, पर मेरे इष्ट राम जी हैं, मैंने बाल सखा मान रखा है उनको, बाल सखा रूप में सुबह शाम थोड़ी सी मानसिक सेवा पूजा भी करता हूँ, तो क्या बाल सखा यानी बचपन के राम जी के साथ साथ माता सीता जी की मानसिक सेवा पूजा कर सकता हूँ या नहीं, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। जो पंचदेव उपासना है वो या तो सिद्ध पुरुषों के लिए है और या तो उन लोगों के लिए है जिनको अभी इष्ट देव का निश्चय नहीं हो पाया। वास्तव में कर्मकांड में तो ये सब चलता है, जैसे गणेश जी की उपासना करो, नवग्रह की उपासना कर लो, नवग्रह पंचदेव में नहीं है लेकिन कर्म कांड वाले तो सभी की करते हैं और सबका विसर्जन कर देते हैं, पूजन किया और विसर्जन कर दिया, अर्थात जाओ अब हमको कोई जरूरत नहीं आपकी। लेकिन भक्त विसर्जन नहीं करता भगवान का, भगवान सदा रहते हैं भक्त के साथ। और जैसे आप देखते हैं ना, नवग्रह, षोडश मातृका, गौरी गणेश, ये सब का विसर्जन करके सबको उठा करके ले जाओ,
मतलब थोड़ी देर के लिए जरूरत थी हमारे जीवन में। ये है कर्मकांड की बात। भक्ति में तो नित्य निरंतर ठाकुर जी का प्रेम, उनसे संबंध, उनकी भक्ति सेवा लगातार रात दिन रहती है, कभी विसर्जन प्रभु का नहीं होता। तो जब हम भक्ति मार्ग में लगेंगे तो पांच देव की उपासना नहीं, एक ही हमारे प्रभु एक ही रहेंगे जो हमारे इष्ट देव हैं। लेकिन या तो सिद्ध पुरुष पांच देव की उपासना करते हैं और या तो भगवान से प्रेम से जुड़े नहीं है तब करते हैं। और आप हरिराम व्यास जी का चरित्र सुने हैं, पहले मैं सुना चुका हूं आपको, 6 साल पहले तो मैंने बताया था उनकी लड़की की शादी हुई, वृंदावन में ही हुई थी। तो उन्होंने पंडितों को सीधा बोल दिया, हमारे यहाँ गणेश जी की उपासना नहीं होती, गणपति जी के श्लोक बोलने की जरूरत नहीं, जो बोलना सो राधा कृष्ण का बोलो। और नन्ना वग्रह की वेदिका बनाने दिया। आप पंडित लोग तो इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन ये भक्तमाल में भी लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जरूरत नहीं है सब की, हम तो भगवान को जानते हैं और किसी को नहीं मानते भाई। तो आप पंचदेव उपासना में हनुमान जी को रखे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, हनुमान जी शिव के ही स्वरूप हैं, पंचदेव में शिव जी आते हैं। गणप गौर त्रिपुरारी तमारी रमा रमन, ये हैं पांच। गणप, गणप माने गणेश जी, गौरी अर्थात शक्ति माता दुर्गा माता, गणप गौरी, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी अर्थात शंकर जी, तमारी अर्थात सूर्य भगवान, सूर्य भगवान चार हो गए, और रमा रमन अर्थात लक्ष्मीपति भगवान नारायण, ये पांच देव हैं। गणप अर्थात गणेश जी, गौरी अर्थात शक्ति माता, गणप गौरी त्रिपुरारी शिव जी हो गए, तमारी सूर्य भगवान, और पांचवें भगवान नारायण। तो ये पांच देव की उपासना अनादिकालीन है, अनादिकालीन, ऐसा नहीं कि थोड़े दिन पहले चालू हुआ। लेकिन इनमें से एक पर स्थिर हो जाओ कि हमारे प्रभु ये हैं, मैं इनका दास हूं, तब भक्ति मार्ग शुरू होता है। अब पांचों को आप पूजो, फिर पांचों को विसर्जन कर दिया, भक्ति नहीं हुई, कर्मकांड रह गया। एक से रिश्ता जोड़ लो प्रेम का, चाहे वो तुम भगवान नारायण से जोड़ लो। अब नारायण से जुड़ने का मतलब हो गया लक्ष्मी नारायण का, मतलब राधा कृष्ण भी हो गए, सीताराम भी हो गए, लक्ष्मी नारायण भी हो गए। और गणेश जी से जोड़ लिया, अब गणेश जी की पूजा तो लोग करते हैं लेकिन फिर उनको पानी में फेंक आते उठा के, ये भक्ति वाली बात नहीं, कर्मकांड की बात है। जिसकी पूजा किया उन्हीं को पानी में डुबा दिया फिर ले जाके। तो गणेश जी गौरी अर्थात पार्वती माता, दुर्गा माता, अन्नपूर्णा माता, उनकी पूजा 9 दिन कर लिया, उसके बाद फिर नहीं किया, साल में 2 बार 9-9 दिन कर लिया, उसके बाद यदि नहीं किया तो भक्ति नहीं है। केवल 9 दिन 9 दिन 2 बार कर लिया और फिर अब उनकी पूजा कभी नहीं किया तो ये भक्ति की बात नहीं हुई, कर्मकांड की बात हो गई कि हमको कुछ प्राप्त करना था सिद्धि, इसलिए 9 दिन हमने मान लिया। अरे भाई उनसे रिश्ता अपना माता का जोड़ो कि हम उनके बेटे हैं, और रोजाना भक्ति करो, रोजाना बारहो मास जिंदगी भर, तब भक्ति वाली बात हुई। गणप गौर त्रिपुरारी अर्थात शिव जी, अब शिव जी को रोजाना जल चढ़ाओ, केवल सावन में जल चढ़ाओ और फिर 11 महीना न चढ़ाओ तो ये भक्ति वाली बात नहीं हुई, ये तो अपना कुछ अभीष्ट सिद्ध करना होगा। त्रिपुरारी तमारी अर्थात सूर्य देवता की उपासना, सूर्य देवता की उपासना दक्षिण भारत में, विशेष रूप से उड़ीसा में कोणार्क का मंदिर है, उस जमाने में ज्यादा था, अब कहीं कहीं प्रतीकात्मक रह गया है। तो अब जल चढ़ाने वाले लोग तो रोजाना चढ़ाते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत ज्यादा भक्ति के साथ उपासना जिसने किया, जैसे कर्ण ने किया था, तो कर्ण को सूर्य भगवान ने बहुत से वरदान दिए, सुरक्षा कवच प्रदान किया, कुंडल दिया, ऐसे कई लोगों ने किया जिनको लाभ मिला। अब देखिए भागवत जी में लिखा हुआ है गोकर्ण, गोकर्ण ने धुंधकारी के उद्धार के लिए पूछा था सूर्य भगवान से,
कि प्रभु इसका तो गया श्राद्ध भी हो गया तब भी नहीं उद्धार हुआ, और उसी स्वयं बोल रहा है गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। उन्होंने पूछा था गोकर्ण जी ने कि तुम्हारा तो गया में श्राद्ध कराया फिर क्यों मुक्ति नहीं हुई, तो धुंधुकारी बोला गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर्मेन न भविष्यति, एक बार नहीं 100 बार श्राद्ध गया में करा दो तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो वहां कर्मकांड फेल हो गया, तब फिर कैसे मुक्ति होगी? बोले हमें नहीं पता है इसलिए हम बता नहीं पाएंगे, आप पता करो। तो सूर्य भगवान की उपासना करने वाले गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से प्रार्थना किया कि आप बता दीजिए कि उसका उद्धार कैसे होगा। तब सूर्य भगवान में से आवाज प्रकट हुई, श्रीमद भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम करो, श्रीमद भागवत का सप्ताह करो उसके लिए उसका उद्धार हो जाएगा, इसलिए गोकर्ण जी ने किया था। तो गणप गौर त्रिपुरारी तुम्हारी रमा रमन था लक्ष्मी नारायण सीताराम जी राधेश्याम जी, इनकी जिंदगी भर पूजा करो, निश्चित ही सब कुछ प्राप्त करोगे, सब दुख मिटेंगे, आनंद मिलेगा, और जिंदा जी भगवान मिल सकते हैं, मरने के बाद तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये पंचदेव उपासना में जहाँ शिव जी हैं वही शिव के स्वरूप आप हनुमान जी को भी मान लीजिए, चाहे शिव को मानिए या दोनों को मान लीजिए, ठीक है आपका। राधे राधे। श्री राधे राधे गुरुदेव। मुझ जैसे प्रारंभिक साधक के लिए जीवन में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे मेरी साधना आगे बढ़े? श्री राधे राधे। पहला है आहार शुद्ध सत्व शुद्धि ही, सत्व शुद्ध ध्रुव स्मृति ही। पहला आहार को शुद्ध रखना, वस्तुगत गुण से भी शुद्ध रखना और परंपराया भी शुद्ध रखना। जैसे अखाद्य पदार्थ जो हैं उनको न खाना, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि गलत तरीके से उपार्जन किया गया है तब भी अशुद्ध हो जाता है। मान लीजिए बहुत शुद्ध है फल है, दूध है फल है और सात्विक अन्न है, लेकिन किसी से रिश्वत लेकर के किसी ने वो खरीदा है तो वो अशुद्ध हो गया, भले ही देखने में शुद्ध है। किसी को सता करके, बेईमानी करके, दुख देकर, लूटपाट करके, चोरी करके, सात्विक अन्न भी असात्विक हो जाएगा। एक तो अन्न की शुद्धि है और आहार शुद्ध और सत्व शुद्धि, उससे अंतःकरण शुद्ध होने में आसान हो जाता है। तो पहले तो आहार शुद्ध करना, फिर अंतःकरण अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार को शुद्ध करना, निर्मल बनाना, और फिर स्मृति शुद्ध करना। स्मृति अर्थात चिंतन, याद करना, भगवान को याद करना, उसी से स्मृति शुद्ध हो जाएगी। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि सत्व शुद्ध ध्रुव स्मृति, तो भगवान की स्मृति हो जाएगी। और तब अर्जुन जैसे बोल देते हैं प्रभु तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोष्म गत संदेह करिष्ये वचनम, तब नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। स्मृतिर लब्धा, स्मृति अर्थात जो भूला हुआ था वो याद आ गया। भूला क्या था? भगवान के हम हैं, केवल भगवान के हैं, भगवान ही केवल मेरे हैं, ये हम भूल गए। और संसार में बहुत लोगों को अपना मान लिया, पराया भी मान लिया, अपना भी मान लिया, राग द्वेष लड़ाई झगड़ा अशांति ये सबको फैलाव, इनका फैलाव हो गया, और जो वास्तविक थे वो उनको भूल गए। उनको भूलना खत्म हुआ, याद आ गई, वो स्मृति की प्राप्ति हो गई। तो यही क्रम है भक्ति में आगे बढ़ने का। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे गुरुदेव। एक जिज्ञासा रहती है मन में, हर बार कोई प्रश्न उठता रहता है, जैसे इससे पहले ये शरीर मेरा नहीं था और ना उस शरीर में मन मेरा नहीं था, इस शरीर के बाद भी जो शरीर में जन्म लूंगा वो शरीर भी ये नहीं होगा और मन भी मेरा ये नहीं होगा, तो इस शरीर के जो कर्मों का फल है, जो मेरा प्रारब्ध बना, वो किसको मिला? वो तो किसी दूसरे को मिला, मुझे ऐसा अनुभव होता है। नहीं, ये शरीर नहीं था और नहीं रहेगा, इतनी बात सही है,
मन वाली बात गलत है। मन यही था पहले, जो मन आज मनुष्य के शरीर में, ये गधा के शरीर में भी था पहले, यदि हम कभी रहे होंगे तो। कुत्ता, सुअर, चिड़िया, सांप, बिच्छू, गधा, उनमें भी यदि हम कभी रहे होंगे तो वही मन आज भी है, बिल्कुल वही है। इसलिए उसी तरह से भोग भोगना चाहता है जैसे पशु भोगता है, क्योंकि वही मन है। मन साथ में जाता है। मृत्यु काल में पांच भूत जो होते हैं, गगन, समीर, अनल, जल, धरणी, इनका ही नाथ सहज जड़ करनी। ये जड़ पदार्थ पांच ही हैं, पंचभूत का शरीर। केवल यही नहीं जाता है और जीवात्मा के साथ बाकी सब जाता है। जीवात्मा के साथ सूक्ष्म इंद्रियां भी जाती हैं। इंद्रियों का गोलक नहीं जाता, कान नहीं जाएगा, कान नहीं जाएगा, आंख नहीं जाएगी, लेकिन आंख में जो चक्षु इंद्रिय है ये जाएगी अगले जन्म में भी। और फिर उसी तरह से आदमी देखेगा जैसे देखता था, उसी तरह से सुनेगा, गंदी चीज सुनता था तो फिर से गंदी चीज सुनेगा, क्योंकि श्रोत्र इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और जो जो स्पर्श इंद्रिय, ये जो भी इंद्रियां हैं, घ्राण इंद्रिय, ज्ञान इंद्रियां पांच, ये साथ में जाती हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तम स्थितम वापि भुञ्जानम वा गुणानुपम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। पंद्रहवें अध्याय में गीता जी ने बताया कि सभी इंद्रियों का गोलक यहाँ छूट जाता है। जैसे बल्ब का फिलामेंट चला जाए तो बल्ब फ्यूज हो गया। अब वो फिलामेंट कोई कारीगर से निकाल ले और ले जाकर दूसरी जगह लगाए तो जहां लगाएगा वहीं रोशनी देने लगेगा। तो फिलामेंट चला गया बल्ब का और बल्ब का गोलक यहाँ रह गया। वो गोलक ये जो जला दिया गया और फिलामेंट वो जो चला गया वो सूक्ष्म इंद्रिय है। तो मन इंद्रिय भी साथ में जाती है, मन नहीं छूटता यहाँ। मन को प्रभावित करने में अन्न का योगदान है, थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा नहीं है। सिद्ध पुरुष को अन्न खिलाओगे क्या, जहर पिला दिया, मीरा जी को कोई असर नहीं हुआ। मीरा जी को जहर पिला दिया, मन तो बिगड़ा ही नहीं, शरीर भी नहीं बिगड़ा, क्योंकि वो सिद्ध थी। लेकिन किसी दूसरे को पिला तो जहर तुरंत मर जाएगा। गंदी चीज खाएगा पिएगा तो मन गंदा होकर वही गंदा मन अगले जन्म में भी जाएगा, क्योंकि मन यहां नहीं रह जाता, मन साथ में जाता है। श्रोत्रम कान चक्षु, ये पंद्रहवें अध्याय में श्लोक जो मैंने बोला, तो ये सभी साथ में जाते हैं। तो ये आप इनको फिर पढ़ लीजिएगा, पंद्रहवें अध्याय में लिखा हुआ, मैं नंबर बता देता हूं। ये साथ में जाते हैं, पंद्रहवें अध्याय का नवा श्लोक, आठ आठवें से पढ़ना शुरू करो। शरीरम यदवाप्नोति यच्चापित क्रामति ईश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधा निवास्यात्। जैसे वायु के द्वारा गंध चली जाती है, ऐसे ही जीवात्मा के साथ इस शरीर की सूक्ष्मात्मा अर्थात सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सब साथ में जाता है, केवल पंचभूत छूटता है। क्या क्या जाता है बता रहे हैं, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम, मन भी बता दिया, मनश्चायम मन भी जाता है, विषयान उपसेवते, यहां तक कि मन जिन जिन विषयों को भोगता था वही प्रवृत्ति प्रकृति लेकर जाता है मन। उत्क्रामंतम, लेकिन आगे की बात गूढ़ है। उत्क्रामंतम स्थितम वा भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। आठवें से आठवां नौवां दसवां तीन श्लोक पंद्रहवें अध्याय का पढ़ना अर्थ सहित। तो कह रहे हैं कि ये चीजें जो जाती हैं अगले जन्म में, यतंतु उत्क्रामंतम स्थितम, मतलब निकलना, इस शरीर से निकलना और उस शरीर में जाकर स्थित होना, भुंजानम और फिर भोगना, व गुणान्वितम या उन गुणों को धारण कर लेना,
वे मूढ़ा नान उपश्यंते, मूढ़ आदमी नहीं देख पाता न जान पाता है। विमूढ़ा नान उपश्यंते, पश्यंत ज्ञान चक्षुषः, जिनके ज्ञान के नेत्र हैं वही देख पाता है कि पिछले जन्म की जो आदत थी वो लेके आया है, ये नहीं छोड़ पा रहा है। वो आदत कहाँ से आया, शरीर तो वहीं रह गया, मन लेके आया, मन लेकर के आया। एक आदमी राम मंगल दास जी के सामने बैठा था अयोध्या जी में, टाइम ज्यादा हो गया लेकिन थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, टाइम तो ज्यादा हो गया। वो कहा हम नहीं मानते हैं कि पर अगला जन्म भी होता है, पुनर्जन्म होता, हम नहीं मानते हैं। बोला नहीं मानते हो? बोला नहीं मानते हैं। बोला अच्छा तो जाओ, अब एक बछिया है तुम्हारे घर में, राम मंगल दास सिद्ध पुरुष थे, गोकुल भवन उनका आश्रम है अयोध्या जी में। बोले एक घर में तुम्हारे बछिया है कि नहीं? बोले हाँ है महाराज। बोले वो बछिया 3 दिन बाद मरेगी, ये बताया महाराज जी ने, 3 दिन बाद मरेगी। आ फिर तुम्हारे घर में लड़की होके पैदा होगी। बोले हम कैसे जानेंगे कि वही? बोले जो जिस खूंटे में बछिया को बांधते हो, वो जब लड़की चलने लगेगी घुटने के बल तो वही पकड़ के बैठेगी, उसी खूंटे को पकड़ के बैठेगी, और तुम वहां से उठाओगे तो रोएगी वो, तब समझ लेना कि वही बछिया है, लड़की बन गई तुम्हारी। मैंने सब सुनाया इसको। तो उन्होंने कहा पहले तो मैं यही देखता हूं कि 3 दिन बाद मरती है कि नहीं। और घर गए, 3 दिन बाद वो मर गई बछिया। वो तो भगा गया, बाबा आपने जो कहा बिल्कुल वही हुआ, बछिया 3 दिन बाद मर गई। बोले साल भर और इंतजार करो। तो साल भर के बाद कन्या घर में पैदा हो गई। बोले महाराज कन्या तो पैदा हो गई। बोले वही है, तुम देख लेना, जब घुटने के बल चलेगी तब देखना। और घुटने के बल जब चली तो भगी वो, और जाके खूंटा पकड़ के बैठ गई। और उसको ले आने की कोशिश की तो रोने लग गई। तो वो व्यक्ति नास्तिक था, लेकिन वो उनको बाबा को हराने के लिए गया था कि तुम लोग जो कहते हो सब झूठा है। तो महाराज ऐसे चरणों में पड़ गया, बोला अब दीक्षा हमारी कर दीजिए, हम समझ गए कि आप ज्ञानी पुरुष। तो ये जो है बछिया का जो मन था वही उस लड़की के अंदर आया, वही मन, इसलिए उसको वहीं बैठना अच्छा लग रहा है। तो संत के भी अंदर कई जन्मों का जो संत रहता है उसको एकांत प्रियता होती है, गंगा किनारा अच्छा लगता है, हिमालय पर रहना अच्छा लगता है, क्योंकि पिछले जन्म में भी वह उन्होंने किया है। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय।